इस समय जिंदगी का सफर हर किसी की आंखों को नम कर देगा। हर वो आदमी जो दो वक्त की रोटी कमाने के लिए अपना घर गांव छोड़कर शहर की तरफ चल दिया, लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा होगा कि जिंदगी इस मोड़ पर लाकर खड़ी कर देगी। आज का ये चलता कारवा देख हमें वो जसवंत सिंह का गाना याद आता है, वक्त का परिंदा रुका है कहाँ, चार पैसे कमाने में आया शहर। हम बताना चाहते हैं कि मजबूर जिंदगी आखिर किस मोड़ पर किसे कहां लाकर खड़ा कर दे। वक्त का ये परिंदा रुका है कहां, मैं था पागल जो इसको बुलाता रहा, चार पैसे कमाने में आया शहर, गांव मेरा मुझे याद आता रहा, गांव मेरा मुझे याद आता रहा। वक्त का ये परिंदा रुका है कहाँ, मैं था पागल जो इसको बुलाता रहा, चार पैसे कमाने में आया शहर, गांव मेरा मुझे याद आता रहा, गांव मेरा मुझे याद आता रहा। वक्त का ये परिंदा रुका है कहाँ, लौटता था मैं जब पाठशाला से घर, अपने हाथों से खाना खिलाती थी माँ, रात में अपनी ममता के आंचल तले थपकियां दे के मुझको सुलाती थी माँ, सोच के दिल में एक टीस फूटती रही, रात भर दर्द मुझको जगाता रहा, चार पैसे कमाने में आया शहर, गांव मेरा मुझे याद आता रहा, गांव मेरा मुझे याद आता रहा। वक्त का ये परिंदा रुका है कहाँ, सबकी आंखों में आंसू छलक आए थे जब रवाना हुआ था शहर के लिए, कुछ ने मांगी दुआएं कि मैं खुश रहूं, कुछ ने मंदिर में जाकर जलाए दिए, एक दिन मैं बनूंगा बड़ा आदमी, ये तसव्वुर उन्हें गुदगुदाता रहा, चार पैसे कमाने में आया शहर, गांव में। बड़ा दुख होता है कि आखिर जो अपने आप को देश का सेवक कहते हैं उनको आम आदमी की परेशानी और दुख क्यों दिखाई व सुनाई नहीं देता। बड़ी विडंबना है कि जब चुनाव का समय आता है तब इन राजनेताओं को हर आदमी का दुख और तकलीफ समझ आती है, दिखाई देती है, क्योंकि उनको चुनाव जीतना होता है। लेकिन ना तो आज कोई चुनाव है और ना ही किसी को अपनी रोटी सेकनी है। अगर किसी को कुछ करना ही है तो वो है जनता, जिसे अपने लिए वह हर संभव काम करना है जिसके लिए वो परेशान है।